जिथे दुनिया के सैवन स्टार लग्जरी होटल मौजूद ने उत्थे ही इस दुनिया के बहुत ही अनोखे बखरे तरह के होटल भी पाए जाते हैं। इन्हां होटल दी फैसिलिटीज़ तो भावें फाइव स्टार होटल वर्गियां ना होण पर इत्थे रहण दा एक अलग ही नज़ारा आउंदा है जो शायद ही तुहानू दुनिया के किसी होर होटलों के मिले। बोइंग 757 जहाज तो लैके पानी के अंदर 50 मीटर तक बने हुए होटल तक असीं तुहानू भी अजिहे हैरान करन वाले होटलों के बारे दसांगे। सो जुड़े रहो मेरे नाल, मैं हां तुहाडा होस्ट जसप्रीत सिंह, तुसीं देख रहे हो जर्नी टीवी। नंबर 20 दे उपर होटल आउंदा है ग्लास इगलू। ए ग्लास इगलू फिनलैंड देश दे लीवी शहर तो 10 किलोमीटर दी दूरी ते बहुत ही सोहनी जगह ते बने हुए ने। वैसे तो इस जगह दा टेंपरेचर सर्दियां दे विच -10 डिग्री तक चलिया जांदा है। ए ग्लास इगलू पूरी तरह दे नाल सेंट्रल हीटड हुंदे ने ते पूरी तरह दे नाल अंदरले टेंपरेचर नूं कंट्रोल करके रखदे ने। ए ग्लास इगलू नॉर्दर्न लाइट दे कारण काफी मशहूर ने, मतलब कि रात नूं सौंदे समय खुला आसमान तुहाडियां नजरां दे सामने रहिंदा है जिस दे विच खूबसूरत सितारियां तों लैके नॉर्दर्न लाइटां भी आसमान नूं काफी ज्यादा मनमोहक बना दिंदी। डबल बेडरूम वाशरूम हीटड शावर किचन के नाल इस दे विच आउटडोर प्राइवेट हीटड पूल भी मौजूद है। इस ग्लास इगलू होटल दे विच एक रात गुजारन दा किराया 1,12,000 है। न्यू मैक्सिको दे शहर फर्मिंगटन तो 10 किलोमीटर दी दूरी ते स्थित है जी कोकोपिल केव। दूरों देखण तो एक खुशक ते सुक्या होया पहाड़ दिखाई दिंदा है पर अंदरों पूरी तरह दे नाल एक लग्जरी होटल है जिहड़ा कि पहाड़ नूं अंदर तो कट के बनाया गया है। होटल दे बेडरूम तो लैके सिटिंग एरिया तक एक एक चीज नूं पहाड़ दे अंदरों ही कट के बड़ी ही महारत दे नाल बनाया गया है। इस होटल के अंदर बेडरूम लिविंग रूम और किचन मौजूद है। इस केव होटल के बाहर भावे कितना ही टेंपरेचर क्यों ना हो पर इस दे अंदर हमेशा 20 डिग्री टेंपरेचर ही रहता है। इस होटल दे विच एक रात रहने का किराया 26,000 रुपए है। नीदरलैंड के समुद्र के उपर यह है एक अनोखा होटल। इस तस्वीर दे विच ना ही यह एक शिप होटल है ना ही एक कमरा है ना ही यह कोई बस है, यह एक होटल है। यह एक बहुत ज्यादा बड़ी और मजबूत क्रेन है जिड़ी कि शिप नूं भी उठा लेंदी है। इस दे अंदर यह होटल नूं बनाया गया है जिहड़ा कि नीदरलैंड के शहर हालिंग दे विच ड्रोमन एंड जी दे नाम नाल जाना जाता है। दी मदद दे नाल इस क्रेन दे विच उपर जाया जांदा है ते इस कमरे दी विंडो दे विचों तुहानू समुंदर दे शानदार नजारे देखण नूं मिलदे ने ते नाल ही इस क्रेन दे टॉप ते जाण दा भी रस्ता है। जेकर तुहानू अपने कमरे तों सामने दा व्यू पसंद नहीं आउंदा तां तुसीं क्रेन दी मदद दे नाल अपने कमरे दा व्यू चेंज कर सकदे हो। कोस्टोरिका दे संघले जंगलां दे विच मौजूद यह है जी 727 होटल। यह प्लेन 1969 दा मॉडल है जिस नूं 727 फ्लू इज होम भी कहा जांदा है। बाहर तों इस प्लेन नूं बिल्कुल ओरिजिनल हालत दे विच रख्या गया है पर अंदर तों इस प्लेन नूं पूरा मॉडिफाई करके इस दे विच इक गैस्ट हाउस बना दिता गया है। तुसी इस एयरप्लेन गेस्ट हाउस तो जंगल ते समुंदर दे अनदेखे नजारे देख सकते हो। बेडरूम ते वॉशरूम दे नाल नाल इस दे विच किचन भी मौजूद है जिथे तुसी अपनी मनमर्जी दे नाल खाना बना के गैलरी दे विच बैठ के उसनू खा सकते हो। इस एयरप्लेन गेस्ट हाउस दे विच एक रात दा किराया 30,000 रुपए है। 2018 दे विच बनाया गया यह अनोखा होटल चीन दे शहर शंघाई दे विच मौजूद है। यह अनोखा इस करके भी है क्योंकि एक एंगल तो यह देखण नू बिल्कुल अंडरग्राउंड लगता है जबकि जेकर तुसी इस नू दूजे एंगल तो देखदे हो तो तुहानू यह अंडरवाटर दिखाई देवेगा। चारे पास सिर्फ इना ही नहीं इस होटल दे कई रूम अंडर वाटर भी बनाए गए ने। इस होटल दे विच एक रात गुजारन दा किराया 87,000 रुपए है। स्वीडन देश अपनी हरियाली अते खूबसूरती दे कारण वैसे ही बहुत ज्यादा मशहूर है। इस खूबसूरती दा नजारा उदों डबल हो जाता है जदों हार्डिस दे जंगलां दे विच तुसीं अपनी एक रात ट्री हाउस दे उपर गुजारो। इस ट्री हाउस नूं जंगल दे बिल्कुल शांत अते खूबसूरत माहौल दे विचकार बनाया गया है। इत्थे अलग अलग डिजाइन दे बने हुए ट्री हाउस मौजूद ने। यह ट्री हाउस जंगल दे विच 10 मीटर उपर बनाए गए हैं जिन्हां दे विच रहण दा एक अपना अलग ही नजारा है। इस ट्री हाउस दे अंदर लग्जरी बेडरूम अते टॉयलेट दिते गए ने जदके तुसीं इस दरख्त दे उपर बैठे बैठे अपनी मनपसंद दा खाना भी ऑर्डर कर सकते हो। इस ट्री होटल दे डबल बेड ट्री हाउस दा खर्चा एक रात दा 45,000 रुपए है। नीदरलैंड दे शहर एम्स्टरडाम दे विच यह है एक होर क्रेन होटल। जमीन तो 50 मीटर उपर बनाए गए इस होटल दे विच बेडरूम दे नाल नाल लिविंग रूम किचन अते बाथरूम भी मौजूद ने। चाहे तुसीं शहर दे नजारे देखणे होण जां तुहाडा मन क्रेन दे उपर वॉक करन दा होवे जां फिर तुहाडा एक्साइटमेंट दे कारण क्रेन दे उपर जंप लगाउण दा मन होवे, इह होटल हर तरहां दे एक्सपीरियंस दे लई बणाया गया है। इस होटल दे विच इक रात गुजारन दा खर्चा 17,000 रुपए है। इंग्लैंड दे समुद्र दे विच मौजूद पोस्टमाउथ तों 28 किलोमीटर दूर दुनिया दा कमाल दा इह इस तरहां दा होटल है जिहड़ा कि चारे पासे तों पाणी दे नाल घिरिया होया है जिहड़ा कि नो मैन लैंड फोर्ट दे नाम नाल भी जाणिया जांदा है। वर्ल्ड वार 2 दे दौरान इह बिल्डिंग पोस्टमाउथ दी प्रोटेक्शन जाने कि हिफाजत दा कम करदी सी जिस नूं कि सन 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਸਪਾ ਤੇ VIP ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਅਲੱਗ ਹੈਲੀਪੈਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਸਟ VIPs ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਘਮਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ 75,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਟਲ ਰਿਵਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ
होटल मौजूद है जिसनू के साइलो स्टे के नाम नाल जाने जाता है। देखने में किसी फैक्ट्री के बॉयलर लगते हैं पर असल दे विच एक लग्जरी होटल है। न्यूजीलैंड के इस साइलो दे विच ज्यादातर एग्रीकल्चर ते जानवरों की फीड नू रखा जाता है पर इस साइलो के मालिक ने इसनू एक लग्जरी होटल दे विच बदल दिता जिस करके इसका नाम भी साइलो स्टे ही रखा गया है। इस दे विच हर एक कंपार्टमेंट डबल स्टोरी है जिस दे विच बेडरूम वाशरूम किचन और आउटडोर बालकोनी मौजूद है। इतने एक रात रहने का किराया 10,000 रुपए है। यूएसए दे विच कॉटनवुड के नाम दे नाल एक बहुत ही सोहनी और खूबसूरत बस्ती है जिथे डॉक की शेप का यह होटल बार्क पार्क इन मौजूद है। इस होटल के कारण थां भी काफी ज्यादा फेमस हो गई है। इस होटल दे विच दो बेडरूम ने ते अंदर सारियां चीजां डॉग थीम वालियां रखियां गईयां ने। कुत्तियां दे विच दिलचस्पी रखण वाले ज्यादातर लोग इस होटल दे विच स्टे करना पसंद करते हैं। फिनलैंड दा इह होटल भी नॉर्दर्न लाइट दे कारण काफी ज्यादा फेमस है जिथे ग्लास बर्फ इगलू इस दी खूबसूरती नूं नैक्सट लैवल ते लै जांदे ने। सर्दियां दे विच इन्हां इगलू दे अंदर रह के तुसीं इत्थों दे मौसम ते इत्थों दे आसमान नूं एंजॉय कर सकदे हो। इन्हां इगलू दे बाहर तुसीं फायर बोन दा मजा लै सकदे हो। सोना दे नाल नाल इस होटल दे अंदर प्राइवेट जकूजी जिहियां सारियां सहूलतां मौजूद ने। इत्थों दा इक रात दा किराया 18,000 रुपए है। स्वीडन दी कैपिटल स्टॉकहोम दे एयरपोर्ट दे नाल बनाया गया है जंबो स्टे होटल। यह होटल बोइंग 747 जहाज नूं कन्वर्ट करके बनाया गया है। इत्थे कमाल दी गल तां इह है कि जहाज दे ओरिजिनल डिजाइन नूं भी इत्थे चेंज नहीं कीता गया। इस जंबो स्टे होटल दे अंदर टोटल 33 कमरे ने ते इस जहाज दे कॉकपिट नूं कॉकपिट स्वीट दा नाम दित्ता गया है। जहाज दे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट दे विच कैफेटेरिया एरिया बनाया गया है। इस जंबो होटल दे विच इक रात गुजारन दा किराया 6,000 रुपए है। बाहर तो यह होटल काफी ज्यादा सिंपल लगता है पर इस दे अंदरों जिहड़ा नजारा देखण नूं मिलदा है उह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। स्वीडन दे विच इह मौजूद है होटल आइस होटल 365 दे नाम नाल जाणिया जांदा है। इस होटल दे विच कमाल दी गल इह है कि इस दे अंदर हर एक चीज बर्फ दे नाल बनी हुई है चाहे फिर उह बेडरूम होवे डाइनिंग टेबल होवे जां उपर चढ़न वालियां पौड़ियां ही होण। इत्थों तक कि इत्थों दा बार भी इत्थों दी इक तों इक चीज बर्फ दे नाल बनी हुई है। इत्थे आउण वाले गेस्ट नूं आइस आर्ट दे विच हिस्सा लैण दा मौका भी दित्ता जांदा है। इस होटल दे VIP स्वीट दे विच रहण दा इक रात दा किराया 1,10,000 रुपए है। कि कदे कोई गटर दे पाइप दे अंदर भी जाना पसंद करेगा साडा सारिआं दा जवाब होवेगा नहीं। पर आस्ट्रेलिया दे विच इक अजिहा होटल भी है जिथे गेस्ट अपनी खुशी दे नाल इस गटर पाइप दे अंदर रहण लई आउंदे ने पर इत्थे गल बिल्कुल दसण योग है कि इह सीवरेज पाइप अंदरों बहुत ज्यादा साफ सुथरे ने। इस दे अंदर बैड विंडू अते इलैक्ट्रिसिटी दे कनैक्शन भी मौजूद ने। इह होटल आस्ट्रेलिया दे लिंच शहर दे विच डिस्क पार्क होटल दे नाम नाल मशहूर है। हैरानी दी गल तां इह है कि इत्थे रहण दे लई तुहाडी जेब दे विच पैसे होणे भी जरूरी नहीं हन। इस होटल दी वैबसाइट दे उपर जिहड़ी इनफॉर्मेशन दित्ती गई है उस दे मुताबिक तुसीं इत्थे रहण तों बाद अपनी मर्जी दे नाल अपनी खुशी दे नाल जो चाहे उन्ने पैसे दे सकदे हो। न्यूट नेचर फ्रांस फ्रांस दे पहाड़ां दे विच इक अजिहा होटल भी है जिथे ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਬਲ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਮਾਊਂਟਨ ਬਲੂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਏ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਗਲੈਕਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰਲ ਦੀ ਸਕਰੇਟ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਟਲ ਸਕਾਈ ਲੌਜ। ਇਹ ਹੋਟਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੋਟਲ ਸਿੱਧੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਮਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 400 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹਾਈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 31,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰੋਵਾ ਸਾਲਟ ਲਿਕ ਲੌਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਖੌਫਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਰੂਮ ਤੋਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੋਟਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 13,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 30 ਫੁੱਟ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਲਿਸ ਅੰਡਰ ਸੀ ਲੌਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਫ੍ਰਿਜ ਸ਼ਾਵਰ ਰੂਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੌਕਟ ਅਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ 30 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਏਅਰ ਟਾਈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਟਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਫਗੇਨ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 5800 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਟਲ ਜਿਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ 3 ਸਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢਲਾਣ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੈਸਟ ਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਰੂਮ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਪੈਂਬਾ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦਾ ਇਹ ਕਮਰਾ ਦਾ ਮਾਂਟਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਫਲੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਟ ਉਤਾਰਦੀ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੌਂਚ ਅਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਵਿਊ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਟਾਰਗੇਜਿੰਗ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਜੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 75,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20 ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਟਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੋ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।